सरकार ने होली से पहले कर दिया बड़ा ऐलान, राशन कार्ड धारकों की हुई मौत। अब आपकी होली और भी रंगों वाली होगी, सरकार देने जा रही ज्यादा राशन। अगर आप इस राज्य के निवासी हैं तो आपको इतने किलो मिलेगा ज्यादा अनाज। सरकार ने की पूरी तैयारी, इस तारीख से हो रही ज्यादा राशन बांटने की शुरुआत। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में जानिए आखिर किस राज्य की सरकार आपको होली पर ज्यादा राशन देने जा रही। जी, केंद्र की मोदी सरकार कोरोना काल से ही देश में फ्री राशन बांट रही है। इस फ्री राशन की योजना की शुरुआत हुए करीब 3 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। सरकार की इस फ्री राशन योजना से देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। वही केंद्र की सरकार के साथ साथ कई राज्यों की सरकारें भी राशन योजना में तमाम चीजें फ्री में उपलब्ध करा रही हैं, जिसमें आपके किचन में इस्तेमाल होने वाली कई सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे तेल, मसाला, नमक, चीनी और कई सारी चीजें। वहीं समय समय पर सरकार देश के कई बड़े त्योहार के मौके पर भी आपको कई और चीजें भी राशन के साथ फ्री में उपलब्ध कराती है। वहीं कई बार आपके राशन की मात्रा में बढ़ोतरी भी की जाती है, जिससे आपको ज्यादा अनाज मिलता है। और सरकार का इसमें बढ़ोतरी करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि आपका त्योहार खुशियों से बीते और किसी भी तरीके से आपके घर में खान पान को लेकर कोई भी समस्या ना आए। अब इसी कड़ी में साल की शुरुआत में हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार होली होता है, जिसमें हमारे घर में कई सारी चीजें बनती हैं और खास तौर से किचन के बजट में एक बड़ा खर्चा भी होता है, जिससे हमारे जेब पर खर्च का बोझ बढ़ जाता है। पर अब इसी बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अपने प्रदेशवासियों के लिए होली पर एक बड़े तोहफे का ऐलान कर दिया है। अब सभी राशन कार्ड धारकों को राशन योजना के अंतर्गत अगले महीने सरकार द्वारा कई किलो राशन बढ़ाकर दिया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट जानते हैं कि आखिर किस राज्य की सरकार ने ये फैसला लिया है और कितने किलो राशन आपको मार्च महीने में ज्यादा मिलने वाला है। होली से पहले राशन कार्ड धारकों की हुई मौत, मिलेगा ज्यादा अनाज। आपको बता दें कि अगले महीने यानी मार्च से सरकार की तरफ से आपको ज्यादा राशन मिलेगा, क्योंकि अगले महीने होली है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ज्यादा राशन देने का बड़ा फैसला किया है। बताते चले कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने होली पर राशन कार्ड धारकों को 1 किलो ज्यादा चावल देने का फैसला लिया है, जिसमें सभी प्रदेशवासियों को यानी जिनके पास एपीएल कार्ड है उन्हें अगले महीने से 8 किलो चावल मिलेगा, यानी कार्ड धारकों को 1 किलो ज्यादा चावल मिलेगा। बताते चले कि फायदा 1 मार्च 2023 से मिलेगा। अभी तक सरकार के नियमों के मुताबिक इस समय एपीएल कार्ड धारकों को 7 किलो चावल मिलता है। ऐसे में प्रदेश के सरकारी डिपो में मिलने वाले चावल के लिए प्रदेश के तकरीबन 12 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को प्रति किलो 10 रुपए देने होंगे। यानी राज्य में सरकारी राशन का फायदा लेने वाले उपभोक्ताओं को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसमें पहली कैटेगरी में एपीएल कार्ड धारक है, वहीं दूसरी कैटेगरी में बीपीएल कार्ड धारक। वहीं आपको बताते चले कि एपीएल और बीपीएल दोनों ही कैटेगरी के कार्ड धारकों को मिलने वाले राशन की मात्रा में भी एक बड़ा अंतर दिया जाता है। जिनके पास बीपीएल कार्ड है उन्हें एपीएल कार्ड धारकों के मुकाबले सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध होता है। इसके साथ प्रदेश में बीपीएल कार्ड धारकों को गेहूं, दाल, तेल, चीनी, नमक, चावल आदि खाने की चीजें भी कई ज्यादा सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है। तो फिलहाल अभी इसी राज्य की सरकार ने अपने प्रदेशवासियों के लिए ये बड़ा ऐलान किया है, लेकिन बहुत जल्द ही बाकी राज्य की सरकार की तरफ से भी आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको होली का एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पेज पर नए हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।